अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका ओल्ड दिल्ली व्लॉग्स। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ, जो है बीफ पाई रेसिपी, जो बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। आइए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए आज हम पाए बना रहे हैं बीफ के, और ये देखिए इसके अंदर ये सब चीज़ें डलेंगी। ये हैं मसाले जो हमारे घर में होते ही हैं, ये नमक है, ये हल्दी है, और ये मिर्चें हैं, और ये पिसा हुआ धनिया, और ये लहसुन 2 चमचे लहसुन, और ये खड़ा मसाला, ये हैं 7 से 8 काली मिर्चें, और 5-6 लौंगे, और 4 जो हैं हरी वाली इलायची, और ये है थोड़ा सा ज़ीरा, और ये 2 डले प्याज की जो हमने मोटी मोटी काट ली है, और ये है भगार के लिए थोड़ी सी प्याज। चलिए दिखाते हैं आपको ये कैसे बनेंगे। ये देखिए ये हैं हमारे पाए बीट के, देखिए ये रहे, ये 2 हैं, 2 पाए हैं ये। अब इसके अंदर हम 2 चमचे ऑयल डालेंगे, बड़े वाले, और ये कटी हुई प्याज ये 2 डली, ये भी इसी में डाल देंगे। और ये हमारे मसाले, ये भी इसी में डाल देंगे। और ये हमारे खड़े मसाले, और ये भी डाल देंगे। और ये लहसुन जो 2 चमचे हमने निकाले थे, ये भी इसी में डाल देंगे। ये सारी चीजें साथ में ही डालनी है। हाँ, ये सब साथ में डालनी है। अब इसके अंदर हम 3 गिलास पानी डाल देंगे, और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम 13 से 14 सीटी लगाएंगे, क्योंकि ये देर से गलते हैं। ये देखिए बस इसमें हम अब ढकना लगा देंगे, और इससे प्रेशर कितनी आई है इसमें? हाँ, 13-14, देर से गलते हैं ये, ज़रा देख लीजिएगा खोल के, फिर अगर नहीं हो तो फिर दोबारा लगेगी। बहुत आसान है, जो अपने घर में चीज़ें होती हैं सब उसी से ही बनेंगी, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भुनाई इसकी हम बाद में करेंगे जब ये गल जाएंगे, जब हम दही डालेंगे। इसमें दही भी डालना है हमें, अभी नहीं, बाद में जब भुनाई करेंगे। चलिए अब हम इसमें 13 से 14 प्रेशर लगा लेते हैं, उसके बाद खोल के दिखाते हैं आपको। इसका प्रेशर निकल चुका है, इसमें हमने 13 से 14 सीटियां लगाई हैं, और हम देखते हैं ये गले हैं या नहीं। लग तो रहे हैं कि गल गए हैं, और देखते हैं, हाँ गल गए हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये जो चीज़ है ना, ये देखनी पड़ती है, ये गल गई है। हाँ गल गई है। अब इसको मैं बड़े बर्तन में डालती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है इसे, और देखिए ये सब गल गया है, बिल्कुल गल गया है ये। अब इसके अंदर हम दही डाल के और उसकी भुनाई करेंगे। ये मैंने 1 कटोरी बड़ी दही की ली है, और आप चाहें तो इसमें प्याज पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने काट के डाली थी, आप पीस के भी डाल सकते हैं। उसमें क्या फ़र्क होगा? वही होता है, ये पीस के डालो या साबुत डालो, दिखाई नहीं देगी वो आपको, वो तो गल गई इसमें सब बिल्कुल। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर देंगे। आप कितनी देर तक करना है भाई? ये घी छोड़ दे, इतनी इसमें पानी है अभी,
दही का, इसी की भुनाई करनी है इसमें बस। बस इसको अब हम छोड़ देते हैं और उसके बाद इसकी भुनाई पूरी हो जाएगी, तो इसमें हम प्याज का भगार करेंगे। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए इसकी भुनाई हो गई थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जितना आप चाहें, जितना आप शुरुआत रखना चाहें उतना रखिए इसमें। और उसके बाद मैं इसमें अब भगार करूँगी, जो आधी डली मेरी प्याज की थी उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल के ऑयल, और इसको मैं भगार करके और इसमें डाल दूँगी। तो इसमें ज़रा ऐसा लगेगा सोंधापन आ जाता है ज़रा। वैसे तो इसमें तेल हमने डाल रखा है 2 स्पून बड़े वाले, तो ये हम ज़रूर करते हैं इसमें भगार ऊपर से। ये देखिए ये हमने इसमें डिश में निकाल दिया, तैयार हो गए हैं ये पाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये देखिए, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक और नींबू, ये आप जब खाएंगे तो डाल लीजिएगा इसके अंदर। और ये देखिए हमारे पाए तैयार हैं, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए आप, और खाने में भी बहुत अच्छे होंगे माशाल्लाह। देख सकते हैं आप हमारी ये बीफ पाए की रेसिपी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको हमारी ये अपडेट मिले, रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे, और भी हम नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।